इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा में एमएसयू ने केएस कॉलेज पर लगाया सेंटर मैनेज का आरोप। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा व केएस कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष अनीश चौधरी ने एलएनएमयू कुलपति को ज्ञापन सौंपा। केएस कॉलेज पर सेंटर मैनेज करने का आरोप लगाया है। इस बाबत क्षेत्र नेता व यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने कहा कि अप्रैल महीने में इंजीनियरिंग कॉलेज का परीक्षा सेंटर केएस कॉलेज में रखा गया था, जहां पर कॉलेज प्रशासन के मिलीभगत से परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली किया गया। छात्रों से पैसा लेकर सेंटर मैनेज किया गया। छात्रों को एकांत रूम में ले जाकर चोरी करवाया गया। छात्रों के लिए मोबाइल और सिल्वर की भी व्यवस्था किया गया था। छात्रों के लिए राइटर तक की व्यवस्था किया गया था। एक प्रतिष्ठा संस्था में इस तरह का काम होना यह बहुत ही शर्मनाक है, जिससे कॉलेज का नाम भी बदनाम हो रहा है और साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कॉलेज में हुए इस परीक्षा के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों में भी असंतोष की भावना है। कॉलेज में शिक्षक और कर्मचारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इससे सभी कॉलेज कर्मी आक्रोशित हैं। जेपी ने बताया कि जानकारी अनुसार नए प्राचार्य एलपी जायसवाल ने योगदान के उपरांत शिक्षक के साथ हुई पहली बैठक में ही कुछ शिक्षकों ने खुलेआम परीक्षा सेंटर बेचने का मामला उठाया था, जिस पर किसी तरह पर कार्रवाई नहीं किया गया। आगे देखिए क्या है पूरा मामला। क्या मामला है? देखिए मामला जो है वो केएस कॉलेज से जुड़ा हुआ है। केएस कॉलेज में जो दरभंगा मधुबनी के इंजीनियरिंग के छात्रों का सेंटर होता है, उस सेंटर को केएस कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा मैनेज कर दिया जाता है। अप्रैल माह में जो वहां पे इंजीनियरिंग का जो सेंटर पड़ा था, उसमें से छात्रों से 10,000 रुपया लेके एक अलग रूम का व्यवस्था करके उसमें एग्जाम लिया गया, जहाँ तक कि उसमें मोबाइल की, सॉल्वर की और राइटर तक की व्यवस्था केएस कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा और बड़ा बाबू द्वारा किया गया। जबकि इसका विरोध भी उसी कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा किया गया, लेकिन पैसा के आड़ में यहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और कुलपति महोदय के मिले भगत से उस सेंटर पे, केएस कॉलेज पे खुलेआम छात्रों को चोरी करवाया गया। हम कहना चाहते हैं कुलपति महोदय के, महोदय यदि MBBS जैसे डिग्री में और इंजीनियरिंग जैसे डिग्री में सेंटर मैनेज हो जाता है, तो ग्रेजुएशन BBA BCA वाले छात्रों के और MBA वाले छात्रों के भविष्य के साथ क्या होता होगा? यदि MBBS के छात्रों को सेंटर मैनेज कर दिया जाए बी और आपको इंजीनियरिंग को, तो फिर वही इंजीनियर पैदा होंगे जो सड़क के ऊपर में नाला बना देते हैं, वही इंजीनियर मतलब कार्यरत तो होंगे जो बिना किसी जानकारी के कोई काम करते हैं। फिर हमारे पास ऐसे ही MBBS पैदा लेंगे जो DMCH में भर्ती होने के बाद तुरंत वो पेशेंट को क्या मांग दिया जाएगा। हम मांग करते हैं ये जो आपराधिक घटना से भी बहुत बड़ा घटना घटाने का काम जो है केएस कॉलेज के प्रधानाचार्य ने किया है, उन पे अभिलंब जांच करके इसमें जितने भी कर्मचारी, बड़ा बाबू, प्रोफेसर शामिल हैं, उन सब पे काम करें। आपको मीडिया बंधु के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, उस एग्जाम के लिए विश्वविद्यालय ने स्पेशल परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति किया केएस कॉलेज में, जबकि वो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर थे और उनको परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा लेने के चक्कर में, सेंटर मैनेज के चक्कर में ये बाहरी वृक्षक भी मंगाते हैं और उनको कॉलेज के प्रोफेसर जो ईमानदार होते हैं उनको उसमें ड्यूटी पे नहीं लगाते हैं, ताकि सेंटर को मैनेज करके खुलेआम जो है यह गोरख धंधा चलाया जा सके। विश्वविद्यालय में दलाली का अड्डा बना रहना चाहिए और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहना चाहिए। लेकिन हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन केएस कॉलेज में आज से विगत कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ था, जिसमें केएस कॉलेज के प्रधानाचार्य जो हैं एलपी जसवाल, वो कॉलेज में के एग्जाम में धांधली किए हैं। कहीं ना कहीं वो सेंटर मैनेज के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन उनको ये पता नहीं है जो यहाँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, वहाँ पे दलाली नहीं करने देता है और कहीं ना कहीं हमारा भविष्य के साथ वो एलपी जसवाल जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य है वो खेल रहे हैं। ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन खेलने नहीं देगा।
मीडिया बंधु के माध्यम से उन प्रधानाचार्य को कह देना चाहते हैं, एलपी जसवाल महोदय सुधर जाइए, नहीं तो आपको मिथिला स्टूडेंट यूनियन सुधारने का काम करेगा। जैसे भ्रष्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सुधारने का काम किया है, वैसे आपको भी सुधारने का काम करेगा। क्या नाम हो? अनिश चौधरी, पूर्व केएस कॉलेज अध्यक्ष। बस